आज के वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आप सीबीएसई स्टूडेंट आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बिहार इंटर एडमिशन 2021 में लगेगा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और जो डॉक्यूमेंट स्कूल के द्वारा नहीं मिला है अभी तक, वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे और किस कलर में या ब्लैक एंड व्हाइट में किस टाइप का चाहिए, वो सारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओएफएसएस बिहार इंटर एडमिशन 2021 के लिए आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म लगेगा, 10th मार्कशीट, 10th क्लास का मार्कशीट, ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आप डिजी लॉकर में जाकर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो ब्लू टिक और क्यूआर कोड भी नीचे लगा हुआ रहेगा, ब्लू टिक, आपका फोटो भी रहेगा मार्कशीट में, वही वाला डाउनलोड करना है, आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड लगेगा, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट SLC, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। आप अपने जिस भी जहां से भी 10th किए हैं वहां जाकर आप SLC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जरूर ले लें। दो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये उन स्टूडेंट को लगेगा ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी। और आपको कुछ फी लगेगा, एडमिशन फी जितना भी है वो सारा चीज लगेगा। और अदर डॉक्यूमेंट स्कूल पर निर्भर करता है कि आपको कौन कौन से और डॉक्यूमेंट की जरूरत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जानी पड़ती है एडमिशन के समय। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर छूट जाता है, जैसे स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं वीडियो, अगर वो कोई भी स्टूडेंट है जो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट उनको पता नहीं था, वो अगर छोड़ देते हैं तो उनको आवेदन देना है और आवेदन से वो काम चला लेंगे कि बाद में हम आपका डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, अभी हमको नामांकन लेने दें। इस टाइप का कुछ आपको आवेदन लिखने के लिए कहा जाएगा, आप वो दे देंगे, उसके बाद आप समय मिले तो आप डॉक्यूमेंट भी बनवा सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कॉमन प्रोस्पेक्टस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, चयन सूची में नाम आने के बाद आवेदक अपना नाम कैसे कराए। अगर आवेदक का नाम उनके द्वारा दिए गए प्राथमिकता वाले विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन के लिए चयन सूची में आ जाता है तो वह संबंधित विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन ले सकता है। संबंधित विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन के लिए उन्हें निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहला जो है, आवेदक को सूचना पत्र इंटीमेशन लेटर में उल्लेख किए गए निर्धारित तिथि और समय पर जाकर संबंधित विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन कराना होगा। आवेदक को संबंधित विद्यालय महाविद्यालय में जांच के लिए मूल अभिलेखों को ले जाना होगा। उन्हें निर्धारित समय निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो सकता है, जो विद्यालय महाविद्यालय के काउंटर पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदक को नामांकन के समय पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो एवं अन्य प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आवेदक को यह सलाह दी जाती है कि वे नामांकन के संबंध में विद्यालय महाविद्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर लें करें। अगर आवेदक उच्च प्राथमिकता वाले विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन कराने का इच्छुक है तो वे द्वितीय और तृतीय चयन सूची के जारी होने का इंतजार कर सकते हैं, परंतु उन्हें उस विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन लेना होगा जिस विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन के लिए उसे चुना गया है। नामांकन के लिए जांच सूची, मूल प्रमाण पत्र, कुल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, उस विद्यालय का परित्याग पत्र SLC जिसको कहा जाता है SLC, परित्याग पत्र, जहां से उन्हें पिछली परीक्षा
परीक्षा उत्तीर्ण की है, उस उस संस्थान संस्थान का का चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जहां से उसने पिछली कक्षा उत्तीर्ण की है, माइग्रेशन प्रमाण पत्र अगर कोई है जहां से उसने पिछली कक्षा में उत्तीर्ण की है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल के द्वारा मिल जाएगा, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जरूरी पड़ने वाला है 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, उसी परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, बिहार बोर्ड परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कोई हो। दोस्तों सीबीएसई स्टूडेंट जितने भी हैं वो अपने साथ एडमिट कार्ड, जो आपको रोल नंबर फाइंडर से एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा गया था वो डाउनलोड कर लें डिजी लॉकर से, और उस पर अगर सिग्नेचर करना हो तो करवा लें स्कूल से जाके, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप सभी को आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाले स्टूडेंट जो सेकेंड लिस्ट में जो एडमिशन लेंगे उनको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब एडमिशन के लिए गए थे तो कौन से डॉक्यूमेंट लगा, वो सारी जानकारी हम हमें कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।